दोस्तों T20 क्रिकेट में कई ऐसे रोमांचक मैच हुए हैं जब दोनों टीमें हार मानने के लिए तैयार नहीं होती है और जीत हासिल करने के लिए दोनों टीमें एड़ी चोटी का जोर लगा देती है, लेकिन तब भी कोई नतीजा नहीं निकलता है और मैच टाई हो जाता है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे रोमांचक सुपर ओवर के बारे में बताऊंगा जिसे देखने के बाद दर्शक भी अपने नाखून चबाने के लिए मजबूर हो गए थे। तो दोस्तों, यह मैच खेला गया था साल 2020 में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच, जिसमें न्यूजीलैंड को मैच जीतने के लिए 180 रन बनाने थे, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम 179 रन ही बना पाई और मैच टाई हो गया। इसके बाद सुपर ओवर खेला गया जिसमें न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए केन विलियमसन और मार्टिन गप्टिल की बदौलत सुपर ओवर में 17 रन बनाए और इंडिया को मैच जीतने के लिए 18 रन का टारगेट दिया, जिसके बाद भारत की तरफ से बैटिंग करने के लिए आए रोहित शर्मा और केएल राहुल, लेकिन रोहित शर्मा पहली दो बॉल पर सिर्फ 3 ही रन बना सके। इसके बाद केएल राहुल ने अगली दो बॉलों पर 5 रन बनाए। अब भारत को जीतने के लिए दो बॉलों पर 10 रनों की जरूरत थी और सामने थे रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा ने लास्ट की दो बॉलों पर 2 सिक्स लगाकर ये रोमांचक सुपर ओवर भारत के नाम कर दिया।